हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना, तो थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ कल रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में लोकेटेड है, जैसे कि तो मैं उस पर जाऊँगा। उस पर जाने के लिए एज़ यू नो, सबको पता ही होगा कि वहाँ पर भीड़ होती है, टिकट लेने में भीड़ भी होती है, ऊपर से कोविड का सिचुएशन भी कैसा है। तो आपको ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा ना, बहुत बेस्ट ऑप्शन में से एक होगा। तो हम जाएंगे लाल किला, तो हम लाल किला घूमेंगे विद म्यूजियम के साथ घूमेंगे, ठीक है। तो जब मैं बचपन में गया था उस टाइम पे म्यूजियम बना नहीं था सही से, तब कंस्ट्रक्शन चालू था, अब तो म्यूजियम बन चुका है। तो आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे लाल किला, यू नो, कुतुब मीनार, पुराना किला, इन सब का टिकट कैसे आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन। अगर किसी दूसरे स्टेट पर भी हो, दूसरे स्टेट पर कोई मतलब कि कोई किला वगैरह भी है, आप उनका भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वो। तो आप चलते हैं, चल के स्क्रीन पे देखते हैं। सो गाइस, आपको अपना गूगल और क्रोम की गूगल ओपन करना है, क्रोम में जाके गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल बाबा से पूछना है, ठीक है, वेबसाइट का पता। तो गूगल बाबा बताएंगे आपको। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसा किया था, वेब चेकिंग किया था, तो वेब चेक इन वाले वीडियो में तो बहुत सारे लाइक आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी भी मैंने वैसे ही किया, कीबोर्ड ज्वाइन किया फ़ोन में और मिक माउस, उसके बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टिकट बुक करनी है, ठीक है। सो फाइनली हम वेबसाइट के पता यहाँ पे सर्च करेंगे, asi.payumoney.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको इस वेबसाइट पे जाके करना है, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। खाली आप रेड फोर्ट ही नहीं, बहुत सारे मतलब कि किले वगैरह आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो हम जाएंगे, हम दिल्ली में रेड फोर्ट जाएंगे, तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट आपका सेलेक्ट कर लेना, आपको कहीं पर भी जाना हो दिल्ली में जाएंगे यहाँ, तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पुराना किला, लाल किला, कुतुब मीनार, यहाँ पर हमें लाल किला जाना है रेड फोर्ट। तो उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करके 25 को जाएंगे हम, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे बहुत सारा दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन में से एक बता रहा है रेड फोर्ट ओनली एंड रेड फोर्ट विद म्यूजियम। आप म्यूजियम के साथ रेड फोर्ट घूमना चाहते हैं और खाली रेड फोर्ट घूमना चाहते हैं, मतलब लाल किला घूमना चाहते हैं खाली, या फिर रेड फोर्ट विद म्यूजियम, मतलब कि म्यूजियम के साथ आप जाना चाहते हैं। मैं वीडियो शूट करूँगा इसकी वजह से म्यूजियम यूट्यूब के लिए। और यहाँ से आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, फोर्थ नून, आफ्टरनून, इवनिंग। तीन ऑप्शन का मतलब मैं बता देता हूँ। फोर्थ नून का होता है मॉर्निंग है, सुबह में और दोपहर में और शाम में, ठीक है। मैं सुबह में जाऊंगा, सुबह में भीड़ नहीं रहती है ज़्यादा। उसको कितना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टिकट अवेलेबल कितना है बता देंगे, 1481 टिकट अवेलेबल है अभी तक, ठीक है। तो हम सिंपली आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है, अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, फॉरेनर तो फॉरेनर सेलेक्ट करेंगे। ये दो ऑप्शन है ना, उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके किसके लिए होता है। नेबर कंट्री के लिए होता है इंडिया की, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। अगर इनमें से आप किसी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर फॉरेनर चूज़ कर रहे हैं, आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है फॉरेनर की, 800 कितना रुपये होती है म्यूज़ियम के साथ, ठीक है। हम इंडियन है, इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको ऐड करना है, आपके साथ कोई और भी जा रहा है, तो आप यहाँ से ऐड सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अकेले जा रहे हैं तो हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि अब वैलिड ईमेल आईडी मेरा मैं डाल देता हूँ अपना। अपना ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे, टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कितना जना सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगी, ठीक है। एक वैलिड आईडी को चूज़ करेंगे पहले। यहाँ पे वैलिड आईडी में क्या क्या दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या स्कूल आईडी दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, आप स्कूल आईडी दे दीजिए, मैं यही बताऊंगा। तो अब अदर्स पे क्लिक करेंगे, मैं अपना स्कूल आईडी दूंगा। तो यहाँ पे स्कूल आईडी का रोल नंबर जो है आपका स्कूल आईडी में जो लिखा हुआ है वो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको स्कूल आईडी में अपना आपका नाम जैसा है वैसा यहाँ ऊपर लिख देना है, एडोल्ड स्वान बोल के लिखा हुआ है ना, उस पर लिख देना है, ठीक है। अगर आप दो एक से भी बड़े बंदे हो, एक से भी ज़्यादा बंदे हो, उनका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे सेम टू सेम लिखना है जैसे आपकी स्कूल आईडी में। अब जो भी आईडी दे रहे हो उसकी बेस पे उसकी सेम टू सेम होना चाहिए नाम, ठीक है, नहीं वहाँ पर वेरीफाई करने में मुश्किल होगा थोड़ा। ये एक बार और मांग रहा है, इसको टिक करेंगे।
यहाँ से देख सकते हो पेमेंट मुझे कितना पेमेंट करना है, ठीक है 56 रुपीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपको ऑनलाइन में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट का, मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, तो इंटरनेट बैंकिंग UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हम चूज़ कर लेंगे किसी एक मेथड, तो उसके बेस पे हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टिकट कैसे मिलती है, ठीक है। सो फाइनली मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। डाउनलोड ई टिकट पे आपको क्लिक करना है, सिंपली आपका टिकट डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने टिकट, ठीक है। ये लाल किले का टिकट है, ठीक है, रेड फोर्ट का टिकट है विद म्यूजियम। तो मेरा टाइमिंग रहेगा यहाँ पे, टाइमिंग 6 बजे से लेके 12 बजे तक टाइमिंग रहेगा, ठीक है। ये मेरा टाइमिंग है लाल किला घूमने का। और विजिटर नेम जो मेरा नाम है यहाँ पे आ गया है, आइडेंटिटी में मैंने अपना स्कूल आईडी चूज़ किया है, स्कूल आईडी का नंबर आ चुका है, इसको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, एक बार वेरीफाई करना होगा वहाँ पे जाके एक बार, अगर सर्वे ऑफ इंडिया में। तो अब सिंपली यही है जो टिकट है, तो यहाँ पे कितने जनों का आपका टिकट है, यहाँ पे एडल्ट टाइप कितने में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विजिटिंग टाइम इंडियन है फॉरनर है, यहाँ पे आ जाएगा। ASI की जो फीस है 35 रुपीज़ है, म्यूजियम की फीस है 21 रुपीज़ है, मैंने बताया था जो खाली आप रेड फोर्ट घूमेंगे, लाल किला घूमेंगे 35 रुपीज़ की टिकट होगा। तो ये जो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कुछ प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। खाली लाल किला नहीं, आप बहुत सारे मतलब कि कुतुब मीनार हो गया, पुराना किला हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वेबसाइट पर जाके आप सिंपली वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टिकट बुक से लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये था इसका कुछ गाइड, तो अभी वीडियो में चलते हैं। सो फाइनली देख तो चुके हैं कैसे टिकट बुक करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना मेक श्योर। तो मैं ऐसे ही वीडियो मोटिवेटेड होता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।